CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कविता अब नदियां नहीं सूखेंगी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता अब नदियां नहीं सूखेंगी। मैंने सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी। इधर आओ चांदनी को स्काफ की तरह तुम्हारे चेहरे पर बांध दूं, बादलों को जेबों में भर दूं, बिजलियों की रस्सियां बटकर एक विशाल जाल बनाऊं, जिसे तुम्हारी आंखों में लहराते संगीत के सागर में फेंक दूं और वह सब समेट लाऊं जो तुमने अपने अस्तित्व में गहरे छिपा रखा है, क्योंकि मैंने सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी। एक इंद्रधनुष मेरे हृदय में है, एक आकाश में। आओ उन्हें मुट्ठियों में जकड़कर साथ साथ झूलें। एक तीखी ढलान तुम्हारे वक्ष पर है, एक मेरे सपनों में। आओ उन पर दौड़ें, फिसलें, लोट लोट जाएं, एक दूसरे की आत्मा को छूलें। कहाँ है स्कूलों के ब्लैकबोर्ड, दफ्तरों की मेजें, घरों के श्रृंगारदान? आओ उनके तख्ते निकाल लाएं, उनकी नाव बनाएं, मानचित्रों की टोपियां लगाकर अनजानी दिशाओं में बहते जाएं, क्योंकि मैंने सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी। कितने अदेखे द्वीप हमारे मन में हैं, कितनी ऊंची चोटियां भटकते संदर्भों में, कितने एकांत तट एक विचार से दूसरे विचार के बीच में, कितने सुखद दृश्य किसी भी अनुभूति की यात्रा में। आओ लंबी करें हम अपनी भुजाएं और इन सब को समेट लें, हर द्वीप में उतरें, घर बनाएं, हर चोटी से चट्टानों को नीचे ढकेलते जाएं, हर एकांत तट पर निर्वसन लेटें, धूप को रोम रोम भेदने दें, हर दृश्य के प्रति सम्मान में एक दूसरे को चुंबनों से भर दें, जोर जोर से गाएं। पाप वह है जो अधूरे मन से किया जाता है और हर आवेग के बहाव के साथ निर्विकार मुड़ जाएं, क्योंकि मैंने सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी। एक परिभाषा हम अपने लिए गढ़ते हैं, एक दूसरे हमारे लिए। एक राह हम अपने लिए बनाते हैं, एक दूसरे हमारे लिए। आओ हम अपनी राह बनाएं, अपनी गढ़ी प्रतिमाएं नावों में भरकर सुदूर द्वीपों में ले जाएं, शुरू करें नई यात्राएं, क्योंकि मैंने सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी। इधर आओ चांदनी को स्काफ की तरह तुम्हारे चेहरे पर बांध दूं। मित्रों, अब नदियां नहीं सूखेंगी कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानना है कि हृदय के भाव सदैव नदी की तरह बहते रहेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आधे अधूरे मन से किया कार्य कभी अच्छा नहीं होता है, तो हमें भी अपने सभी कार्य पूर्ण समर्पण से करने चाहिए। यदि आपके मन में इस प्रकार के विचारों पर आधारित कोई भी कविता आती है तो उसे शब्दों में सजाएं।
अभी आप सुन रहे थे ये कविता। विषय संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, कविता वाचन राजश्री त्रिवेदी, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।